अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दादोज किचन एंड व्लॉग्स। क्या हाल है व्यूअर? आप सब ठीक ठाक हैं, हैरियत से हैं, और आपकी फैमिली सब कैसी हैं? अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आप मेरे लिए भी दुआ किया करें और मेरे लिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें मेरी वीडियो पे कि अच्छी बनी है या नहीं बनी। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो अपनी फ्रेंड और फैमिली को भी बताएं और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें मुझे, और मुझे व्यू किया करें। और इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो दिखाती रहूँगी। तो आज का इधर यूके का वेदर देखें कितना ब्यूटीफुल है, बस ऐसे पता लगता है कि समर आ गई है। देखें आसमान कितना साफ़ सुथरा है और काफ़ी धूप निकली हुई है। अंदर तो यही पता चलता है कि बहुत गर्मी आ गई है। तो आज दादो के किचन में कुछ ख़ास चीज़ बन रही है, तो ये बहुत हेल्थी भी है और खाने में भी बहुत मज़े की है। तो ये है जी एवोकाडो की चटनी मैं बना रही हूँ। ये दो एवोकाडो मैंने ले लिए हैं, इनसे बीज निकाल के और इनको छील के रख लिया है। और इसमें ये धनिया जाएगा तकरीबन 1 कप और 1.25 कप पुदीना डाल लें आप, और ये 3 जवे जो हैं थोम के डाल लें लहसुन के, और 4 मिर्चें डाल लें हरी मिर्चें, या अपने जायके के मुताबिक आप कितनी खाते हैं। और ये जो है 1 टमाटो मैंने पीसीस करके रख लिया है, और 2 टेबलस्पून लेमन है, और इसमें जाएगा 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है, आप अपने जायके के मुताबिक कम और ज़्यादा डाल सकते हैं, और 1 टेबलस्पून इसमें ओलिव ऑयल जाएगा। तो आइए इसको बनाते हैं। ये मैंने पीसेस कर लिए हैं, तो इसको इस मिक्सी में डालेंगे और पीसेंगे। ये जी देखें चटनी कितनी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। तो आज वैसे भी गर्मी का मौसम था, तो मैंने इसको बनाया है, मैंने दाल साथ में बनाई है, और रोटी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। मैंने पुलाव बनाया है चनों का, और क्योंकि गर्मी का मौसम है तो पुलाव के साथ खा सकते हैं। और साथ में मैंने आज ये मटनजन बनाया है, वैसे ही दिल कर रहा था कि चलो आज बनाएं। तो ये बहुत ही मज़े की होती है, और ये चटनी जो है बहुत ही हेल्थी भी होती है, सेहत के लिए अच्छी है। वैसे तो ये इंग्लिश लोग जो हैं इस को थोड़े डिफरेंट तरीक़ा से बनाते हैं, वो कहते हैं इसको गुआकामोली, पर मैंने इसको थोड़ा एशियन टच दिया है, साथ में पुदीना धनिया भी डाला है और बाकी चीज़ें गार्लिक भी डाला है, तो बनाया है, तो इसलिए बहुत ही मज़े की बनी है। आप ऐसी बनाएं खाएं, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है। तो आप अपनी हमेशा दुआओं में मुझे याद रखा करें, और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, सब लोग आप इंजॉय कर सकते हैं। तो देखें मैं आपको बाहर दिखाती हूँ मौसम कितना अच्छा है, खूबसूरत है। तो लगता है कि इस साल गर्मी बहुत जल्दी आ जाएगी, और रमज़ान भी आ रहा है माशाल्लाह। रमज़ान की तैयारियों में भी आपको साथ रखूँगी, और आप लोग दुआओं में मुझे भी साथ रखना। तो इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब किया करें और व्यू किया करें, और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर किया करें। तो इंशाल्लाह मैं रमज़ान में आपके साथ नई नई वीडियो शेयर करती ही रहूँगी, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।